वेलकम बैक। हाउ टू सॉल्व एचसी वर्मा, सवाल रहता है स्टूडेंट्स के मन में, एचसी वर्मा को कैसे सॉल्व करें। मेडिकल वाले बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत हार्ड है, और इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं हम करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, हमसे होता नहीं है बट करना जरूरी है। तो एचसी वर्मा को कैसे सॉल्व करें, ऐसा क्या तरीका है जिससे एचसी वर्मा सॉल्व कर सके। मुझे भी काफी प्रॉब्लम होता था एचसी वर्मा सॉल्व करने, राइट। देयर इज अ टेक्निक टू सॉल्व एचसी वर्मा। एचसी वर्मा एक ऐसा बुक है जो न्यूमेरिकल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो थ्योरी इन न्यूमेरिकल आपको सिखाता है। उसमें जो थ्योरी है वो तो बहुत छोटी सी है, आप कोई भी बुक में देखोगे, कोई भी टीचर के पास जाओगे तो वो बहुत ज्यादा थ्योरी सिखाएगा, जो एचसी वर्मा में दी हुई है उससे काफी ज्यादा थ्योरी सिखाएगा, बट जो थ्योरी वो सिखाएगा वो एक्चुअली एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स में, जो थ्योरी है वो एचसी वर्मा न्यूमेरिकल्स में हाइड करके दिया। जो भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करो, वो क्वेश्चन भी है साथ में थ्योरी भी है, उसके रिजल्ट्स को आप याद करो या फिर एनालाइज करो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एचसी वर्मा, राइट। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के नजरिए से एचसी वर्मा करोगे मजा नहीं आएगा, सीखने के नजरिए से करो कि एचसी वर्मा का कोई भी एक क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन में क्या थ्योरी एचसी वर्मा हमें सिखाना चाहता है वो सीखो, राइट। इट्स अ वंडरफुल बुक एंड अ मस्ट सॉल्व बुक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे कोई भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एचसी वर्मा सॉल्व करना इज अ मस्ट, राइट। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको पता चलता है थ्योरी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, जितना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस एचसी वर्मा में है शायद ही किसी बुक में है। लिमिटेड प्रॉब्लम्स, ऑल एक्सीलेंट प्रॉब्लम्स, कंप्लीट थ्योरी यूजिंग दोज न्यूमेरिकल्स, राइट। अब सवाल आता है एचसी वर्मा करना तो जरूरी है तो बता दिया, अब कैसे करें, होता नहीं है। सॉल्यूशन बुकलेट लाओ, एज सिंपल एज दैट। मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन बुकलेट्स है, इंटरनेट में बहुत सारे सॉल्यूशन बुकलेट्स है, डाउनलोड करो, मार्केट से लेके आओ, रेफर टू देम। आप ये सोचोगे कि मैं सॉल्यूशन देखूंगा तो मेरा क्या बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। आप सॉल्यूशन देखो, आप क्वेश्चन को ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो, नहीं समझ में आया सोचो कुछ थ्योरी आपका छूट गया या नहीं छूट गया। कुछ थ्योरी छूटा है तो पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी अगर आपको आता है स्टिल आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि इसमें क्या प्रोसीड करना है, वॉच द सॉल्यूशंस, लर्न आउट ऑफ इट, नो हार्म इन दैट, राइट। इस तरीके से करो। अब एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, राइट, बट जिनका आंसर काफी सिंपल होता है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस लगते हैं। आप चैप्टर, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन कर रहे हो बट उसमें प्रीवियस 4-5 चैप्टर का लिंक होगा उस चैप्टर में, सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर जेई एडवांस, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के थ्रू आपका वो सारा एरिया कवर हो जाता है, right? इस तरीके एचसी वर्मा को सॉल्व करते हैं। एक सॉल्यूशन बुकलेट लाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो, कहीं भी आप जा रहे हो, मान लो क्लास के लिए जा रहे हो, राइट, एक एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन ले लो अपने हाथ में, या उसको पढ़ के माइंड में ले लो, उसको एनालाइज कर लो, या फिर उसका एक इमेज लेके चले जाओ। आप बस में कहीं जा रहे हो, सी दैट क्वेश्चन, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, उससे आपका थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, आप आइडल बैठे हो, एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन ले लो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, मजा नहीं आ रहा है, मोबाइल में फोटो रखो क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को देखो, सोचो। आप कहीं घूमने जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, देख लो क्वेश्चंस को। ट्यूशन जा रहे हो, क्लास में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, टीचर कहीं बाहर गया हुआ है, देख लो क्वेश्चन को, थिंक अबाउट इट, प्लान करो कि एक दिन में मेरे को 5 क्वेश्चन एचसी वर्मा का सॉल्व करना ही करना है, नहीं हो सॉल्यूशन देके करना है, सीखना है। इस तरीके से करो एचसी वर्मा, राइट। आप एक साथ सोचोगे कि स्कूल का होमवर्क है और मैं 40 के 40 क्वेश्चंस एक साथ कर लूंगा एचसी वर्मा का, नहीं होगा, बोर हो जाओ, मजा भी नहीं आया। 4-5 क्वेश्चन करके उठाओ, 4-5 क्वेश्चन करके, कोई एक टॉपिक टीचर ने सिखाया, देखो उसके उससे रिलेटेड एचसी वर्मा में क्या क्या क्वेश्चंस है, उससे कुछ एडिशनल थ्योरीज आपको मिलेगा, कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेगा, जो आंसर सॉल्व होकर आता है वो एक्चुअली एक रिजल्ट होता है, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, जनरल रिजल्ट्स होता है, ठीक है, वेरिएबल्स के टर्म्स में, उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया है कुछ साइन थीटा के टर्म्स में,
वो रिजल्ट अगर आप याद कर लेते हो, जेई में पूछेगा वही चीज 60 डिग्री या 30 डिग्री कुछ दे देगा, अगर आपको वो रिजल्ट याद है डायरेक्ट उसमें पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। और एक चीज, एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपको डेरिवेशंस का पता लगता है, बोर्ड्स में डेरिवेशंस आता है, उसके लिए भी बहुत टेंशन रहता है सबको, डेरिवेशन कैसे करेंगे डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो उस तरीके से आप करो तो आपका डेरिवेशंस भी क्लियर हो जाएगा। बट इट्स अ मस्ट सॉल्व बुक, यू शुड ऑलवेज डू इट, चाहे आप मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल वाले जितना हो सके करो, एक्सट्रीम लेवल तक जाने की दरकार नहीं है, बट करो। जिन जिन क्वेश्चन से आपको थ्योरी समझ में आती है वो क्वेश्चन करो, और फिर जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में उतना टफ नहीं आता है। बट इंजीनियरिंग वाले, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, मस्ट सॉल्व, मस्ट सॉल्व, मस्ट सॉल्व।